Welcome to this video. I will tell you in detail about Doji candlestick pattern in this video. Friends, Doji एक single candlestick pattern है जो आपको chart में चार प्रकार का दिखाई दे सकता है. Doji के जो चार अलग अलग नाम है, पहला है long legged Doji और दूसरा Doji जो होता है dragonfly Doji. जितने भी candlestick pattern हैं, इन सब का नाम जापान के लोगों ने यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रखा हुआ है. तो ड्रैगन फ्लाई एक कीट होता है, उसके नाम के ऊपर इन्होंने ड्रैगन फ्लाई Doji का नाम रखा है क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई जैसा ही दिखाई देता है. नेक्स्ट है ग्रेवेस्टन Doji, और ग्रेवेस्टन Doji एक कब्र का जो पत्थर होता है उस प्रकार का होता है. तो जापान के लोगों ने इस Doji का नाम ग्रेवेस्टन Doji रखा है. और नेक्स्ट होता है फॉर्फ्राइज Doji, जो आपको चार्ट में बहुत ही कम देखने को मिलता है. Doji की एक खास बात है कि Doji कैंडल जहाँ से ओपन होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है. इस प्रकार अगर हम बात करें तो Doji एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते हैं. लेकिन इनका जो चार्ट का जो लोकेशन होता है बॉटम और टॉप, वहाँ पर ये बनती हैं तो इफेक्टिव होती हैं. और चार्ट के मध्य में अगर Doji बनती है तो Doji का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. अब सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग लेग्ड Doji. एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और डाउन ट्रेंड में यदि लॉन्ग लेग्ड Doji दिखाई दे तो अब मार्केट को कुछ पता नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या नीचे या कंटिन्यू कर सकता है. यदि इस Doji का जो लो और हाई है उसके आधार पर यदि यहाँ से इसका हाई कट जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है, और इसका जो हाई है उसके ऊपर हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे. और जैसे ही इसका हाई करता है वहाँ पर हम बाय करेंगे, और Doji का जो लो है वहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे. उसके बाद में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है. तो ये तो था कि डाउन ट्रेंड में जब Doji बनता है तो क्या इफेक्ट होता है, लेकिन जब अप ट्रेंड चल रहा होता है और Doji दिखाई देता है तो यदि Doji का लो कट जाता है तो उसके नीचे हम सेल करेंगे, और Doji का जो हाई है उसके ऊपर हम स्टॉप लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे. उसके बाद में आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है. ड्रैगन फ्लाई Doji की बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई Doji का जो लोकेशन होता है वो बॉटम होता है. तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर यदि ड्रैगन फ्लाई Doji दिखाई देता है तो ड्रैगन फ्लाई Doji के हाई के ऊपर का बाय ऑर्डर लगाते हैं, और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है एंट्री की जाती है, और ड्रैगन फ्लाई Doji का जो लो है उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे. उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट है ग्रेवेस्टन Doji. तो ग्रेवेस्टन Doji का लोकेशन जो होता है चार्ट का टॉप होता है, तो उससे पहले आपको एक अप ट्रेंड चाहिए, और अप ट्रेंड के बाद में यदि ग्रेवेस्टन Doji दिखाई देती है और उसका लो कट जाता है तो वहाँ से हम सेल करेंगे और ग्रेवेस्टन Doji के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे. तो इस प्रकार Doji जो काम करती हैं, और एक Doji रह गई हैं जो कि फोर Doji का कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, चार्ट में बहुत कम दिखाई देता है. तो अब हम समझेंगे कि चार्ट के अंदर ये Doji किस प्रकार बनती हैं. तो आइए ढूंढते हैं चार्ट के अंदर कि ये Doji कब बनी और इसका क्या इफेक्ट रहा. तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई Doji की, और ड्रैगन फ्लाई Doji के हम लोकेशन की बात करें तो वो चार्ट के बॉटम में दिखाई देना चाहिए. तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, और ये डाउन ट्रेंड बनने के बाद में चार्ट के बॉटम में यहाँ पर देखिए एक ड्रैगन फ्लाई Doji आपको दिखाई दे रहा है. तो हमने बात की थी कि ड्रैगन फ्लाई Doji जो उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तब हम एंट्री लेंगे. तो यहाँ पर देखिए इसका एक हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे. और बाय करने के बाद में जो ड्रैगन फ्लाई Doji का लो है, लो के नीचे का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे. उसके बाद देख सकते हैं कि आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला. तो फ्रेंड्स ये था ड्रैगन फ्लाई Doji का, और नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ग्रेवेस्टन Doji का एग्जाम्पल. फ्रेंड्स इस चार्ट में आप देखें यहाँ पर आपको एक ग्रेव स्टोन Doji नज़र आ रही हैं, और जैसा कि हमने पहले बात की थी ग्रेव स्टोन Doji बनने से पहले जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, तो ये ट्रेंड भी बिल्कुल अप है. और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ये लो है, और जैसे भी ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमने एंट्री लेना है, और सेल करने के बाद में जो ग्रेव स्टोन Doji का हाई है और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा. और उसके बाद में आप देखेंगे
कि ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद में इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। फ्रेंड इस चार्ट में आप देखेंगे कि आपको एक लॉन्ग लेग्ड डोजी नजर आ रहा है और लॉन्ग लेग्ड डोजी जब भी बनता है तो ये दोनों तरफ काम कर सकता है और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ इस केस में यहाँ जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक होने के साथ ही एंट्री की जाती है तो एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये डोजी जो कैंडलस्टिक है डोजी और ड्रैगनफ्लाई डोजी ग्रेवस्टोन डोजी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।